सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीएसीजी टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसीजी टेक में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ X7 ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 3। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे इनके एक एक टूल्स के बारे में डिटेल से बातें करना, जिसमें सबसे पहला टूल जो हमें मिलता है वो मिलता है पिक टूल। लेकिन दोस्तों, पिक टूल अकेला नहीं है, पिक टूल के साथ हमें दो और नए टूल मिलते हैं। एक है फ्री हैंड पिक टूल और दूसरा मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये दोनों ही टूल कमाल के हैं, इनका इस्तेमाल भी कमाल का है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या कुछ इनसे आप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल जो है इस पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक नया पेज मिल जाएगा। ये हमारे सामने एक नया पेज आ चुका है। अब इस पेज पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट। जैसे इस पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया और एक बना लेते हैं, ऐसे दो तीन रेक्टेंगल हमने जगह जगह पे बना लिए। कुछ इलिप्स भी बना लेते हैं, ठीक, ऐसा कुछ हमने तैयार कर लिया। अब दोस्तों, आपको याद होगा अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो अगर आप माउस से लेना चाहते हैं तो बाहर में माउस को रखें, क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो एक मर्क्यू लाइन चलेगा, जो भी इसके अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर ऐसा हो, जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सिलेक्ट करना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन नए टूल के वजह से ये काफी आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग पिक टूल पे क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हमें ये तीन नए टूल नजर आने लगेंगे, पिक, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म। इसमें हम लोग लेते हैं फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल पे क्लिक करें, फ्री हैंड पिक टूल आपके पास आ जाएगा। बाहर क्लिक करते हैं। अब अगर दोस्तों आप इसे इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे जहां जहां आप माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं वहां एक लाइन बनता चला जा रहा है। ये लाइन के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहां हमने लिया और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं और जिसे हमें नहीं रखना है उसे हटा देंगे। जैसे ये हमें नहीं रखना है तो इससे हम बाहर निकल गए, ये हमने ले लिया। सपोज दैट ये नहीं रखना है तो ये भी हमने हटा दिया इस तरह से, ये ले लिया। और ये रेक्टेंगल नहीं रखना है इसे हमने छोड़ दिया, ये रेक्टेंगल लेना है। फिर आए सपोज दैट ये रेक्टेंगल नहीं रखना है तो इसे हमने हटा दिया। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन हो रहा है। और ये चलिए इतना रखते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा सिलेक्शन हो चुका है, किसी पे कलर फील पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए क्या क्या हुआ, जो जो हमने सिलेक्ट किया उन पे कलर फील हो गया और कितना कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ये सारे और ये सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि हमने इन्हें सिलेक्शन से बाहर रखा। ये है इसकी सबसे अच्छी खूबी, जिसके वजह से आप फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हो हर ऑब्जेक्ट को हर जगह से। क्योंकि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन करना काफी कठिन हो जाता है कोरल ड्रॉ में, तो उस स्थिति में ये काफी फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों रुकें, इसमें एक और भी ऑप्शन है। वो क्या है, वो है अल्ट की के साथ इसका कॉम्बिनेशन। आप यहां से फ्री हैंड पिक टूल ले लें, इसके बाद नॉर्मल देखिए अगर हम इस पे चल रहे हैं और इसे मैंने हाफ सेलेक्ट किया, इसे भी हाफ सेलेक्ट किया, तो ये दोनों सिलेक्शन में नहीं आएंगे। चलिए इसे हम फुल ले लेते हैं और इसे हाफ किया, अब ये नहीं आ रहा है, ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस पे भी आप ड्रॉ कर दें वो सिलेक्ट हो जाए तो अल्ट की के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएं। अल्ट को दबा के रखें और माउस को ड्रैग करें। अब जिसके ऊपर भी आप लाइनें खींच देंगे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए जिस जिस पे हम लाइन खींच रहे हैं वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। इतना खींचा हमने, छोड़ दिया। अब यहाँ पे कलर हम फिल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए जिस जिस पे हमने लाइन खींचा था या जहां जहां पे भी हमारा मर्क्यू लाइन टच किया था वो सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। सपोज दैट यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो इलिप्स है या सर्कल ये सिलेक्ट हो जाए लेकिन ये रेक्टेंगल सिलेक्ट ना हो, तो उस स्थिति में हम लोग वापिस लेंगे फ्री हैंड पिक टूल को और यहाँ पे अल्ट की के साथ ड्रैग कर देंगे। नॉर्मल हो गया। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे इसे हम क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं और पिक टूल ले लेते हैं, इसे सिलेक्ट करके हमने डिलीट बटन दबा दिया, ये मिट जाएगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर एक और
इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल लेंगे और अल्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ जिस जिस पे हम ड्रैग करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए, इस पे हमने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। और अगर हम चलें तो चलिए इससे हम सिलेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने और ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, और नीचे आ जाते हैं। बाकी सब कोई भी लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए और ये हमने छोड़ दिया। कलर पे चलते हैं और कोई भी कलर फिल करते हैं, इसे साइड करते हैं। ये देखिए ये तीन ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए और ये बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनके ऊपर हमने ड्रॉ नहीं किया था। ये दोनों तरीके का इस्तेमाल करके आप बड़े अच्छे से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो चाहे आपके ग्राफिक्स हो, सभी पे इसका काम सेम होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके नेक्स्ट टूल यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जब आप लेते हैं तो ऊपर में आपका प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए हैं। इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहले हमने ले लिया यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होते ही सारे टूल्स एक्टिव हो गए। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के चार मोड हैं। पहला है फ्री रोटेशन, दूसरा है हमारा फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, और तीसरा है हमारा फ्री स्केल। चौथे पे आते हैं तो ये है फ्री स्क्यू, यानी आप फ्रीली ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप टाइप करके भी ये सब काम कर सकते हैं। इनके लिए देखिए यहाँ पे स्केल का दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्यू का दिया हुआ है, रोटेशन दिया हुआ है, ये सारा कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं रोटेट करना, तो इसके लिए हम पहले फ्री रोटेशन को क्लिक करेंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट में जहां भी हम क्लिक कर देंगे वो हमारा लॉक पॉइंट बन जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे लॉक रहे, बाकी ऑब्जेक्ट घूमे, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसे इस तरह से घुमाएंगे तो ये देखिए घूमना चालू हो गया। जैसा चाहिए वैसा एंगल आप इसे ले सकते हैं, ये आसानी से रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एंगल रिफ्लेक्शन चाहते हैं, एंगल रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए चलिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन अलग हो। हम टेक्स्ट टूल ले ले रहे हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सपोज दैट F, हमने F टाइप कर दिया और इसे कर लेते हैं थोड़ा बड़ा और इन ऑब्जेक्ट्स को हम कर देते हैं साइड या डिलीट कर देते हैं। चलिए डिलीट कर दिया, इसे साइड में रख दिया, ये हम ले लिए। अब अगर हम इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक टूल में तीसरा लेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और इसमें हम लोग ये दूसरा जो है एंगल रिफ्लेक्शन इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे आके अगर क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की ओर तो देखिए ये चेंज हो चुका। इसी तरह से अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो देखिए इसका एंगल बदल जाएगा, ये देखिए। इस तरह से आप इसे आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, साथ में आप चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, ये दोनों काम करेगा, एक साथ रोटेट भी कर सकता है और उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, यानी उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर भी कर सकता है। ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरे की बात करते हैं तो ये है फ्री स्केल, ये कमाल का टूल है दोस्तों, और ये चीज मुझे अक्सर कोरल रो में कमी महसूस होती थी। ये पेज मेकर में था लेकिन कोरल रो में नहीं था कि आप किसी एक पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं और दूसरे तरफ से आप उसे स्केल कर सकते हैं, यानी उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ले लेते हैं और सपोज दैट हम चाहते हैं कि एफ जो है ये इस कॉर्नर पे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन यहाँ हम चाहते हैं ये स्थिर रहे और जो बड़ा छोटा होना है वो इस तरफ की ओर हो। तो हम इसे नॉर्मली लेने के बाद आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, इसके जहाँ हम लॉक चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखिए ये इधर की ओर बड़ा छोटा हो रहा है लेकिन उधर नहीं जा रहा है, भले हम कुछ कर रहे हैं, है ना, ये इधर ही जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे बड़ा छोटा होगा। अगर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसे सेंटर पे रखते हैं, इसको सेंटर पे रखते हैं और खींचते हैं तो देखिए दोनों तरफ ये भागेगा, लेकिन अगर किसी कॉर्नर पे या किसी एज पे जाके हम लॉक कर दें तो वो लॉक हो जाएगा, वो अपने जगह पे रहेगा, बाकी सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं और वहां से स्केल चेंज कर सकती हैं, लेकिन वो जगह पे कुछ भी नहीं होगा जहां पे हमने इसे लॉक कर दिया, ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। चलिए इसके लिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं और इसे हम लोग पहले 0 डिग्री ले लेते हैं ताकि सही लगे, ये आ गया।
अब इसे हम मूव कर लेते हैं। इसके लिए हमें वापस पिक टूल लेना पड़ेगा। आपको याद होगा पिक टूल किस काम में आता है? नहीं है, चलिए फिर से बता देते हैं आपको। पिक टूल दोस्तों जनरली किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, मूव करने, स्केल करने और रोटेट करने और स्क्यू करने के काम में आता है। अगर रोटेट स्क्यू करना चाहते हैं तो एक बार और क्लिक कर दें, इस पे रोटेट और स्क्यू का ऑप्शन बन जाएगा, जिससे आप इसे स्क्यू कर सकते हैं। ये देखिए स्क्यू हो रहा है ना, और अगर आप चाहें तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। कॉर्नर पे आइए कहीं भी और इसे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए, ये देखिए रोटेट हो जाएगा। इसका लॉक पॉइंट यहाँ होता है, इसे आप जहां चाहें रखें और उसके अनुसार आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास यही टूल थे, लेकिन अब हमारे पास नए टूल आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग फ्री रोटेशन, फ्री स्केल वगैरह कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं और तीसरे टूल को वापस लेते हैं, फ्री स्केल वाला जो है, फ्री ट्रांसफॉर्म को उसको ले लेते हैं। अब यहाँ हम तीसरा ऑप्शन ले रहे हैं फ्री स्केल का। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट दिखेंगे। जैसे बीच में आएंगे तो देखिए सेंटर दिख रहा है, कोने पे जाएंगे तो एज दिखेगा। अगर एज पे रख के आप स्केल करते हैं तो ये एज लॉक हो जाएगा, बाकी जो है ये छोटे बड़े होंगे। अप डाउन कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए, जिधर भी जाना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर में है दोस्तों तो ये चारों तरफ बढ़ेगा, ये देखिए जैसा चाहे वैसे। अगर लेफ्ट राइट लेते हैं तो लेफ्ट राइट बढ़ेगा, अगर अप डाउन लेते हैं तो अप डाउन बढ़ेगा, और अगर डायगोनल लेते हैं तो ये चारों तरफ बढ़ेगा। इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और एक फिर से रेक्टेंगल बनाते हैं। सॉलिड रेक्टेंगल हमने लिया, इस पे एक कलर फिल कर देते हैं, ब्लू ले लिया हमने। फिर से जाके हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लिया और इसे स्केल मोड में रखा हमने। अब यहाँ पे हम इसे सेंटर में क्लिक कर रहे हैं और इसे बड़ा कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर बड़ा करते समय हमने कंट्रोल की प्रेस कर दिया तो देखिए इसका चारों तरफ जो है वो इक्वली एकदम रिसाइज होगा, अगर कंट्रोल के साथ आप रखते हैं तो। यहाँ पे सेंटर में जाइए, अगर छोटा करना चाहते हैं तो भी आप कंट्रोल को दबा के रखें तो एकदम इक्वल चारों तरफ से ये छोटा होगा। अब अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका बड़ा छोटा करते समय इसका डुप्लीकेट बन जाए तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट। इस पे एक बार क्लिक कर दें, अप्लाई टू डुप्लीकेट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप जो कुछ भी करेंगे वो डुप्लीकेट होता चला जाएगा। जैसे इसे हम चाहते हैं बड़ा करना या छोटा, चलिए इसे छोटा ले लेते हैं। सेंटर में रखा हमने, कंट्रोल की दबाया और इसे छोटा किया, ये छोटा हो गया, छोड़ दीजिए, ये एक पीस छोटा हो चुका। इसी तरह जितना चाहते हैं उतना आप छोटा करते जाएं, इसका छोटा बनाते चले जाएं। बड़ा करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें, होल्ड करें, ड्रैग करें, ये देखिए बराबर बड़ा बन जाएगा। इस तरह से आप इसे चारों तरफ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और किसी एक पॉइंट पे रोक के वहां से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए इसको हमको देख के एक छोटा सा सिंपल सा डिजाइन याद आया, इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों। और यहाँ ले लेते हैं हम एक सर्कल, ये हमने ले लिया सर्कल, और इस पे एक अच्छा सा कलर डाल देते हैं। ओके, ये नीला कलर डाल दिया हमने, इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब वापस लेते हैं हम लोग फ्री स्केल ट्रांसफॉर्म, ये हमने ले लिया। ध्यान रखें यहाँ पे चेक कर देना है अप्लाई टू डुप्लीकेट, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसके कॉर्नर पे चले जाएं, कॉर्नर पे चले जाने के बाद आप देखिए इसे छोटा कीजिए, इस तरह से ये हो रहा है, ध्यान दें बराबर छोटा हो रहा है, छोड़ दीजिए। अब दोस्तों कीबोर्ड से आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, कंट्रोल आर, ये देखिए क्या हो रहा है, इसका रिपीट होता जा रहा है और ये कमाल का एक शेप बन गया। तो आप इस तरह से अच्छे अच्छे ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं अगर आप इनका सही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक और मिलता है हमें फ्री स्क्यू टूल, जिससे आप इसे झुका सकते हैं। इस पे क्लिक करें और जिस ऑब्जेक्ट को आप स्क्यू करना चाहते हैं उस पे क्लिक कर दें, वो सिलेक्ट हो जाए तो इसे झुकाएं, ये देखिए इस तरह से आप झुका सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। डुप्लीकेट एक्टिव है तो देखिए डुप्लीकेट हो गया, हम डुप्लीकेट को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करके दूसरे जगह ले आते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं। हमने लिया वापस जाके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और यहाँ पे हमने लिया है फ्री स्क्यू टूल। उसके बाद इस पे क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, ये देखिए स्क्यू हो रहा है, घुमा भी सकते हैं, झुका भी सकते हैं, जैसा चाहे वैसे आप स्क्यू कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरफ इसका मूवमेंट जा रहा है, उस तरह से आप आसानी से इसे मूव कर पाएंगे। ये देखिए तो दोस्तों ये था
कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पिक टूल और उसके सहायक टूल्स के बारे में। आज हमने इस वीडियो में इन तीनों टूल्स के बारे में जाना। पिक टूल के अंदर सिंपल पिक टूल है ना, दूसरा फ्री हैंड पिक टूल और तीसरा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री हैंड पिक टूल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है अल्ट के साथ आप सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं। और अगर फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाते हैं तो हमें चार तरह के नए टूल्स मिलते हैं, जिनमें हमने देखा रोटेशन, उसके बाद एंगल, उसके बाद स्केल और लास्ट में हमने देखा स्क्यू। साथ ही अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो जो कुछ भी आप करेंगे वो एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नजर आएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल रहा, आप कितना इस टॉपिक को समझ पाए, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक कर लें और उसके बगल में आ रही नोटिफिकेशन वाली घंटी पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।